गई हूँ किचन में क्योंकि आज है ट्यूसडे यानी कि शोएब का शूट डे और मैं भेजने वाली हूँ उनके लिए मटन पुलाव। और मैंने सोचा कि आपके साथ लगे हाथ ये रेसिपी भी शेयर कर लेती हूँ। तो मैं 3 किलो मटन का पुलाव बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है और ये देखिए यहाँ पे ना ये चावल चढ़ गए हैं जर्दा बनाने के लिए, तो मटन पुलाव और जर्दा भेजूँगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तेल गर्म कर लिया, उसके बाद उसमें डाला है तेजपत्ता, फिर लौंग, 2 बड़े टुकड़े दालचीनी के और ये कुछ हरी इलायची। और अब मैं डाल रही हूँ जीरा अंदाजे से। मैं ज़्यादा बना रही हूँ इसी में सब कुछ ज़्यादा ज़्यादा डाल रही हूँ, आप अंदाज से डाल सकते हैं। मतलब मैंने एक अप्रॉक्स फिगर स्क्रीन पे लिख दिया है। अब ये प्याज मैंने कटवा के रखी हैं, ये हैं क्योंकि मैं 3 किलो बना रही हूँ तो ये करीब 12 प्याज हैं, ये मैंने कटवा के रखी हैं। ये मैं इसमें सारी डाल दूँगी और इसे हम सौते कर लेंगे। लेकिन इसे हमें डार्क ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है, एक नॉर्मल सौते करना है हमें, जब तक ये हल्के से पिंकिश या हल्के से ट्रांसल्यूसेंट ना हो जाए, बस उसी वक्त तक। सो ये देखिए प्याज जो है काफ़ी सॉफ्ट होनी शुरू हो गई है। अब मैं डाल दूँगी कंप्लीट हरी मिर्च और अब मैं डालूँगी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। मैं डायरेक्ट बड़े वाले स्पून से डाल रही हूँ, तो अगर आप देखें तो ये 4-5 चम्मच तो डेफिनेटली होगा। चलिए ये सब कुछ बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेते हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अदरक लहसुन की कच्ची महक जाने तक हम इसे थोड़ा सा सौते कर लेंगे। और अब चलिए देखते हैं मटन। सो ये 3 किलो मटन है जिसे मैंने रात में अच्छे से धो के मैरिनेट करके फ्रिज में रखा था ओवरनाइट। इसमें है अदरक लहसुन का पेस्ट, दही, नींबू, सौंफ पाउडर और नमक, ये सब डाला है मैंने इसमें। दैट्स इट, नो हल्दी, नथिंग, बस इतना सा ही चीज़ है। सो टाइम टू पुट हमारा मैरिनेटेड जो मटन है वो। पता है आपको एक मजे की बात बताऊं, मैंने पिछली बार जब ये पुलाव बनाया था, पता नहीं उस दिन रोहान शायद रो रहा था या मेरा दिमाग बहुत ज्यादा प्रीऑक्यूपाइड था, तो मैंने जो क्या किया, मैंने मटन मैरिनेट किया था, मैंने डायरेक्ट ऑयल गर्म किया और मटन डाल दिया और फिर चावल डाल दिया। और जब खाने में डिफर तो मुझे कुछ कम लग रहा है और शोएब खाते खाते मुझे दिल भी अच्छा है पर कुछ कमी है। तो इमेजिन मैंने ये पूरा स्टेप यहां तक मिस कर दिया था, मतलब मैंने अनियंस डाले ही नहीं, तो लेकिन तब भी टेस्टी रहा बट ऑब्वियसली अधूरा तो लग ही रहा था। तो ये हमारा हो गया है, यहाँ पे अनियन वगैरह सब कुछ रहेगी। अब ये डाल देंगे और फिर इसको हम अच्छे से भूनेंगे और फिर हम डालेंगे चावल। तो ये डालने के बाद हम लोग चावल भिगो के रख देते हैं, है ना। और आप अगर आलू डालना चाहो तो भी आप डाल सकते हो, जो मैं भी आज डालूंगी थोड़े से। मैंने आज तक कभी आलू के साथ ट्राई नहीं किया है। इनफैक्ट कई लोग बिरयानी भी बिना आलू के नहीं खाते हैं। पहले मैं बात बंद करती हूँ, पहले मैं ये डाल देती हूँ। चलो मैं कहती हूँ कि रबर स्पून बहुत काम की चीज होती है, तो एक तो घर में मंगवा के रखी लीजिए। अरे और शोर नहीं है इसमें मिक्स कर। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसे ढक के कुक होने देंगे। पानी ऊपर से ऐड करने की इस वक्त बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि दही का भी पानी है, मटन भी पानी छोड़ेगा, तो इसीलिए इसे कवर होके कुक होने देते हैं। और हम अपने राइस निकाल लेते हैं और उसे जो है हम थोड़ा सा भिगो देते हैं। राइस भिगो दिए हैं, लगभग 15 से 20 मिनट हो गए हैं कि अच्छे तरीके से ये मटन जो है पक रहा है, ये देखिए। चलिए ये कट कर लिए हैं मैंने आलू और अब मैं इसमें डाल दूंगी नमक और बाकी मसाले। बाकी मसाले क्या, कुछ भी नहीं, बहुत इजी है, मैं बताती हूँ। सबसे पहले सॉल्ट मैं डाल रही हूँ 3 चम्मच और आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, 3 अच्छे से भरे हुए चम्मच। और फिर हम डालेंगे जीरा मसाला, ये रहा जीरा पाउडर, ये भी 3 चम्मच डालेंगे। और इसके बाद हम डालेंगे, ये है लाल मिर्च पाउडर और एक है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इसे भी मिक्स कर लेंगे।
और ये है सौंफ पाउडर, तो ये अब हम इसमें डालेंगे अच्छे से 3 से 4 चम्मच भर के। एंड नाउ टाइम टू पुट द राइस। ये मैंने वॉश करके भिगो के रखा था, करीब आधा घंटा तो ये भीगे हुए थे राइस, और अब हम ये राइस इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा मिक्स करेंगे, फिर हम ऊपर से पानी ऐड करेंगे। एक बार आप अच्छे से पूरा मटन का जो मसाला है वो और राइस मिक्स कर लो, फिर आप पानी डालिएगा। कितना पानी डालना है जब आप खुला बर्तन में पुलाव बनाते हो, ये देखिए मैं इस तरीके से अंदाज़ा लगाती हूँ। करीब मेरी हाफ कड़छी जो है वो डूबी हुई थी, वो क्यों? क्योंकि इसमें मटन भी है जिसने अभी थोड़ा और पकना है, और आलू भी है, इसलिए मैं पानी ज़्यादा रख रही हूँ, वरना मैं इससे भी कम पानी रखती हूँ। ये मैंने डाल दिया कटा हुआ हरा धनिया और एक हल्का सा मिक्स, और फिर इसके बाद डालिएगा एक नींबू, जो मैं शॉट लेना भूल गई, नींबू का रस, और फिर ढक के इसे पकने दीजिएगा। ये ना मैं आपको बता नहीं सकती। पोल्यूशन वाला डलनेस, पॉन्ड्स प्योर डिटॉक्स फेस वॉश, पोल्यूशन निकाले, ग्लो लाए, बता नहीं सकती। So, ये यहाँ पे पुलाव हो गया है रेडी, ये शोएब के पास जाएगा और ये जरदा भी शोएब के पास जाएगा। ये बचा है हमारे लिए, चावल भी एकदम खुले खुले बने आज।